एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का जो है वो जन्माष्टमी विशेष श्रृंगार दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी इन्हीं के पूर्ण अवतार हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इनका श्रृंगार भी आपके साथ शेयर किया जाए। पिछले साल शायद हमने सभी भगवान के श्रृंगार शेयर किए थे, तो अब मुझे लगा कि अब इनका भी कर देती हूँ। तो श्रृंगार मैंने कर दिया, श्रृंगार जो है मैं वो कर चुकी हूँ कंप्लीट। तो ये जो आप पोशाक देख रहे हैं, ये पोशाक जो है प्रभु के लिए द्वारिका से आई थी। जी हाँ, गुजरात से आई थी। तो जो कि हमारे चैनल के ही एक दर्शक हैं, अब मेरे भाई हैं, उन्होंने गिफ्ट में भेजी थी रक्षाबंधन पर इनके लिए। तो तब मैं रक्षाबंधन पर नहीं पहना पाया थी अपनी पर्सनल व्यस्तता के कारण। तो अब मुझे समय लगा, तो मुझे लगा क्यों ना इस पोशाक में जन्माष्टमी का श्रृंगार कर दूं। और उस वक्त मेरे मुँह से निकल भी गया था, तो होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं ना, यही पोशाक पहननी थी, सो पहन ली। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस मुकुट में। और मुकुट इस बार मैंने इनका बदल दिया, नया मुकुट लाई थी मैं, तो इन्हें ये पहनाया है। थोड़ा सा हैवी श्रृंगार किया है, क्योंकि पोशाक थोड़ा सा नहीं, बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी नहीं बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने ना एक शॉर्ट हार पहनाया, फिर एक लॉन्ग हार, फिर एक माला धारण करवाई है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने जो है वो श्रृंगार किया। पीले को थोड़ा सा अवॉइड किया, क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी बहुत अच्छी पीली थी, और जैसे कि पीताम्बरी ही पसंद है, और चाहे विष्णु जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, और लड्डू गोपाल हो, तीनों को पीताम्बरी पसंद है। तो मुझे लगा कि चलिए पीताम्बरी ही पहना देते हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस पोशाक में, श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा आपको इनका जन्माष्टमी स्पेशल ये स्वरूप। और कोई कमी रह गई तो वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये श्रृंगार आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी अब आप श्रृंगार करके नहीं दिखाती हैं, पहले आप करके दिखाती थी, आपने 15 अगस्त पर भी जो है वो 15 अगस्त बोल रही हूँ, रक्षाबंधन पर भी करके नहीं दिखाया था। तो देखिए, श्रृंगार मैं करती थी, एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात कहना चाहूँगी। जैसे कि हस्बैंड की जॉब के चलते हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे को नहीं दे पाते। तो वही एक समय ऐसा होता था जब हम लोग, एक्चुअली होता था कि इसके पहले जब यूट्यूब नहीं था हमारी ज़िंदगी में, मतलब एक साल पहले तक का जो समय था वो ये था कि हम दोनों आराम से श्रृंगार किया करते थे, आराम से गपशप किया करते थे। तो जब यूट्यूब ऑन हुआ तो धीरे धीरे वो आदत थी, तो वो आदत जा नहीं पा रही थी। हम लोग आपस में बातें भी कर लिया करते थे, श्रृंगार भी कर लिया करते थे, और एक दूसरे की टांग भी खींच लिया करते थे। जब यूट्यूब आया तो धीरे धीरे कुछ लोगों का कमेंट आया कि नहीं, आप लोग बातें बहुत करते हैं, या तो बातें ही कर लिया करिए या श्रृंगार ही कर लिया करिए। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर मन आपका भक्ति में लगा हुआ है, उसके बाद आप किसी से बात करें तो क्या बिगड़ जाता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा क्या है ना, अब हम दोनों के बीच के प्रेम को ख़त्म कर रही थी, तो मैंने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया कि भाई जो चीज़ अब पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म कर दे। तो मैंने उस चीज़ को साइड में करके अब क्या किया, सीधा श्रृंगार कर देती हूँ और आप लोगों को स्वरूप दिखा देती हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा उचित लगा, इसलिए इसमें हम दोनों का भी मन रह जाएगा और आप लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा कारण है। कुछ लोग कहते दीदी उसमें अच्छी नोकझोंक दिखती थी आपके जिया जी की, अब तो जिया जी बोलते ही नहीं हैं, और आप बोलती हैं और जिया जी नहीं बोलते हैं, और आप दोनों की लड़ाई झगड़े देखने को मिलते नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस पर, क्या प्रकट आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताएं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हम लोग की पर्सनल चीज है, जैसे हम लोग अकेले कर लेते हैं कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, वो तो बस हम एक दूसरे पे जो है वो तीर चलाते रहते हैं बातों के, और कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता वो, हाँ चुप रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स ऐसा है, इसलिए श्रृंगार अब करके दिखाना मैंने इस वजह से बंद कर दिया। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, इस चीज़ के पीछे भी एक कारण था, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और फिर अच्छा नहीं लगता कोई इस तरीके से जज करे, इसीलिए भी मैंने कुछ थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। तो अब मैं सीधा स्वरूप दिखा देती हूँ। तो वैसे भी तैयार करके दिखाती थी, ऐसे भी दिखा देती हूँ। और अगर आप लोग को श्रृंगार करना नहीं आता है, जैसे कुछ लोग हैं नए नए नहीं आता है, आइडिया लेने हैं, तो पुराने वीडियो अपलोड हैं श्रृंगार के, राधा कृष्ण के, लक्ष्मी विष्णु जी के, माँ दुर्गा के, सरस्वती जी के, पार्वती जी के, तो आप सभी के श्रृंगार जो है वो चेक कर सकते हैं, श्रृंगार करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें, वहाँ भी हमारी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।